अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स अलग टाइप की टमाटर की चटनी। इस तरह के अगर आप टमाटर की चटनी बनाएंगे ना फ्रेंड्स, सब्जी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और आपके अपने चैनल तम्मोज किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमने छोटे साइज़ के 10 टमाटर लिए हैं। अगर किलो से नापो तो 1.25 किलो टमाटर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने टमाटर को दो हिस्से में कट किए हैं, दो टुकड़े में हमने टमाटर काट कर रख दिए हैं। कढ़ाई लिए हैं, कढ़ाई में डाले हैं खाने वाले चम्मच से 2 चम्मच तेल, और इस तरह से हम कढ़ाई में पूरे तरह से फैला देंगे तेल को। हमें तेल ज़्यादा डालना नहीं है फ्रेंड्स, और इस तरह से हम टमाटर को रखते जाएँगे। सारे टमाटर हमने कढ़ाई में रख दिए हैं। अब इस पर थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 2 पिंच हम नमक डालेंगे। नमक इसलिए डालना है फ्रेंड्स, टमाटर जल्दी गलेंगे और इसकी हमें स्किन निकालनी है। इसमें डालेंगे 5 लहसुन की कलियाँ, 3 बड़ी है और 2 छोटी लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ। टमाटर के साथ लहसुन भी हमारा अच्छे तरीके से पक जाएगा। साथ में आप इसमें हरी मिर्च को भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, मैं नहीं डाल रही हूँ। हमने लिए हैं 4 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज़ की प्याज और थोड़ी सी हरी धनिया। इसे हमने सारी चीज़ें हमने बारीक चॉप कर रख दिए हैं। मैं आपको प्याज बता देती हूँ। देखिए, हमने बारीक चॉप किए हैं प्याज को भी, और टमाटर को हमने 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर रखे हैं, और टमाटर हमारे एक साइड से अच्छे तरीके से पके हैं। टमाटर ने पानी भी छोड़ दिया है फ्रेंड्स, यानी कि पानी रिलीज़ किया है टमाटर ने हमारे। अब हम इसे एक बार फ्लिप कर फिर पकाएंगे। अभी ढक्कन नहीं कवर करना है फ्रेंड्स, खुले में ही पकाएंगे 3 मिनट। अब 3 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, अब इसके हम स्किन निकाल देते हैं, यानी कि इसकी जो स्किन होती है उसे हमें रिमूव करना है। मैं यहाँ पर चिमटे से पकड़ कर निकाल रही हूँ। आप भी इसी तरीके से इसकी स्किन रिमूव कर दीजिएगा। टमाटर के हमने स्किन रिमूव कर दी है। टमाटर को अब हम पकाएंगे 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे। एक बार मैं मिला लेती हूँ। इसमें डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, अच्छे कलर के लिए डाल रहे हैं, 1/4 टीस्पून से भी कम डाल रहे हैं फ्रेंड्स। फिर इसमें डालेंगे शक्कर, हम 1/4 टीस्पून। शक्कर टेस्ट को बैलेंस करता है, इसलिए शक्कर ज़रूर डालिएगा थोड़ी सी। हमारे टमाटर लहसुन अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है फ्रेंड्स। अब लेंगे हम फॉक और फॉक से इसे सॉफ्ट करेंगे। आप चाहे तो टमाटर को आलू मैशर से भी सॉफ्ट कर सकते हैं, मैश कर सकते हैं, या फिर मिक्सी के जार में घुमा सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह से इसे सॉफ्ट कर रही हूँ। अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाता है फ्रेंड्स। इस तरीके से भी हमने सारे टमाटर को सॉफ्ट किए हैं लहसुन के साथ में। अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में, बड़े से बाउल में निकाल लीजिए। फिर इसमें हम सारी चीज़ें डाल देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, टमाटर की चटनी आपने भी बहुत बार बनाई होगी, लेकिन एक बार मेरे तरीके से भी ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही अलग और टेस्टफुल रेसिपी है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए, आप इसमें डालेंगे 1 टीस्पून फुल भरकर जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। 1/2 टीस्पून डालेंगे काला नमक। अब डाल देंगे प्याज बारीक चॉप की हुई। प्याज को बारीक चॉप कर ही डालिएगा फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी आती है मुंह में तो अच्छी नहीं लगती है। फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च थोड़ी सी मैं बचा लेती हूँ फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादा लग रही है, 3 और आधी मिर्च हमने डाल दिए हैं। फिर हरी धनिया डाल देंगे, बहुत सारी हरी धनिया, ज़्यादा डालिएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। इसमें डालेंगे चाट मसाला 1/4 टीस्पून। अब इसमें हम डाल देंगे नींबू का रस 2 टेबलस्पून, जो हम चम्मच से खाना खाते हैं उस चम्मच से हम 2 चम्मच इसमें नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस ज़रूर डालिएगा फ्रेंड, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है नींबू के रस से टमाटर की चटनी में। अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे फ्रेंड्स। आपको अगर ज़रूरत है तो इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। मैं नमक नहीं डाली हूँ क्योंकि हमने इसमें चाट मसाला डाले हैं, पहले थोड़ा सा नमक डाल दिए थे और हमने इसमें काला नमक भी डाले हैं। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हम इसे निकाल कर सर्व करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, रेसिपी मेरी ट्राई ज़रूर करिए। इंशाल्लाह कल फिर मैं मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।